गाइज एंड गर्ल्स, आप एक नए रिलेशनशिप में हैं, यू हैव मेट दिस अमेजिंग गाय या दिस अमेजिंग गर्ल, आप इतने खुश हैं कि यू नो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, पागल हो रहे हैं खुशी से, हर चीज परफेक्ट है। आप चाहते हैं काश ये रिलेशनशिप यू नो और स्ट्रांग हो जाए और लंबी चले और शायद शादी हो, बच्चे हो वगैरह वगैरह, एंड इट्स अमेजिंग। लेकिन आप ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स कभी कभी रिलेशनशिप में करते हैं कि वो रिलेशनशिप यू नो बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है और फिर आप जिंदगी भर रिग्रेट करते हैं। तो आज की टॉपिक है बिगेस्ट मिस्टेक्स टू अवॉइड इन अ न्यू रिलेशनशिप। चेक इट आउट। पॉइंट नंबर वन, बीइंग टू क्लिंगी। यस गाइज एंड गर्ल्स, नई रिलेशनशिप है, आप एक्साइटेड है, चाहते हैं यू नो हर मिनट एक दूसरे के साथ बिताएं। नो, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ज़्यादा चिपकेंगे ना, चिपकू चिपकू रहेंगे, ओ आई मिस यू सो मच और लगे रहते हैं, बहुत आसान होता है बोर होना, क्योंकि एक नई रिलेशनशिप है, इमोशनल लेवल नहीं, अभी बस आपके हॉर्मोन स्पीक कर रहे हैं, आप एक्साइटेड है इसलिए हर वक्त टाइम बिताना चाहते हैं एक साथ। सो टेक इट ईजी, मिलिए, एक दूसरे को वक्त दीजिए, ऑफकोर्स वो ज़रूरी है, बट 24 घंटे नहीं। आपकी कोई लाइफ है ना, तो उस पर भी फोकस करिए प्लीज़। पॉइंट नंबर टू, Not being honest about your likes and dislikes. देखिए guys and girls, it's true. जब आप कोई नए बंदे या बंदी से मिलते हैं, आप सोचते हैं यार मैं बस अपना अच्छा साइड दिखाऊं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद भी नहीं है, आप कुछ बोलेंगे नहीं, उनके खातिर कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हर चीज़ में कोई बात नहीं, आपको जितनी भी बुरी लगे कोई बात नहीं, यू नो उसकी खुशी के लिए मैं कर लूँगा, उसकी खुशी के लिए मैं कर लूँगी। पर फिर बाद में आफ्टर फ्यू मंथ्स जब सब कुछ सेट हो जाता है, फिर वो आपकी डिसलाइक्स बाहर आने लगती हैं। आप कहती हैं नहीं यार मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, तो सामने वाला बोलेगा यार पहले तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी, अब कहाँ से होने लगी। सो प्लीज़ बी ऑनेस्ट, अगर आपको कोई चीज़ ठीक ठाक नहीं पसंद है इट्स ओके, पर अगर ज़्यादा ना पसंद है तो बोलिए उन्हें नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये सूट नहीं करता है, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विथ इट, सिंपल। अगर शुरू से आप क्लियर होंगे ना, सबकी लाइफ बेहतर होगी। सो बी ऑनेस्ट ऑलवेज फ्रॉम डे वन। पॉइंट नंबर थ्री, कंपेयरिंग देम टू योर एक्स। आप स्टूपिड हो क्या? आई मीन व्हाई वुड यू डू दैट? यू नो अगर आप एक अच्छे इंसान से मिले हैं एंड यू आर हैप्पी, और आपकी कोई एक्स या आपका कोई एक्स था, उनसे आप कंपेयर करेंगे तो पैर पर कुल्हाड़ी मारना हुआ ना। सो प्लीज डोंट बी स्टूपिड, उनकी बात ही मत छेड़िए, दे डोंट एग्जिस्ट। रात गई बात गई, वो आपका पास था, तो उनके बारे में बात मत करिए। कंपेयरिंग तो दूर की बात, कंपेयर दूर की बात, तो फिर आपको अपने आप को एक थप्पड़ दे देना चाहिए। तो नेवर एवर एवर कंपेयर योर एक्स टू योर करंट, ठीक है? गुड। पॉइंट नंबर फोर, डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। ये मैं जितना एक्सप्लेन करूँ ना कम है। क्या होता है ना, रिलेशनशिप में आप कभी कभी जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं और आप एक दूसरे को ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो वो कभी मत करिए। यू नो रिलेशनशिप की शुरुआत में नहीं, रिलेशनशिप के 10 साल बाद नहीं, नेवर टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। अगर कोई आपको खुशी दे रहा है, उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करिए, वैल्यू देम, उन्हें वैल्यू करना तो और भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो नेवर टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड इन द बिगिनिंग और लेटर। पॉइंट नंबर फाइव, मूविंग टू फास्ट टू सून। या रिलेशनशिप नहीं, आप इतने एक्साइटेड है, आप चाहते हैं यार कल ही शादी हो जाए, प्यार हो जाए, सब कुछ हो जाए, टेक इट ईजी, ब्रीद, स्टेप एट अ टाइम। नई रिलेशनशिप है, शुरू में सब एक्साइटेड होते हैं, सब पगलाते हैं रैबिट की तरह, सो काम डाउन, स्टेप एट अ टाइम, बेबी स्टेप्स। क्या होगा, बेबी स्टेप्स लेंगे ना, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते जाएगी धीरे धीरे। अगर आप ओवर एक्साइटेड होंगे, सब कुछ इतनी जल्दी करेंगे, दूसरा इंसान घबरा जाएगा आपके एक्साइटमेंट से। ऐसा बहुत हुआ है, नॉट कह रहा हूँ मेरे साथ, पर ऐसा बहुत हुआ है लाइफ में, लोग घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। तो टेक इट ईजी, बेबी स्टेप्स। पॉइंट नंबर सिक्स, डू नॉट बी अवेलेबल ऑलवेज। गाइज एंड गर्ल्स, न्यू रिलेशनशिप है, आप चाहते हैं कि हर पल एक दूसरे के साथ बिताए, करेक्ट? तो इसका ये मतलब नहीं कि जब वो फोन करे, जी जी मैं हूँ, मैं फ्री हूँ, सब काम धाम छोड़ के आप भागे चले जाएँ मिलने, नहीं यार, बी बिजी इन योर लाइफ ऑल्सो। कभी ना बोलना भी सीखिए, ये नहीं कि हर वक्त जब भी वो फ़ोन करे, हाँ मिलते हैं मिलते हैं, फ्रेंड्स को भूल गया, काम को भूल गए, हर चीज़ को भूल गए, नो। थोड़ा आप वैल्यू सेल्फ, थोड़ा अपने आप को क्या है वैल्यूबल खुद बनाएं। तो अगर तीन बार वो फोन करते हैं कि मिलने को, दो बार मिलिए, एक बार बोलिए आई एम सॉरी आई एम बिजी, बी कूल, या टेक इट ईजी। पॉइंट नंबर सेवन, लास्ट पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट। गाइज एंड गर्ल्स, अगर आप अपने में कॉन्फिडेंट रहेंगे ना,
सामने वाले को आप में कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपकी वैल्यू करेंगे. सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. जो आप हैं उसकी कदर करिए. यू नो, कोई आपको कोई आप पर फेवर नहीं कर रहा है आपके साथ रह के. वो आप में कुछ देखते हैं इसलिए वो आपके साथ हैं. सो बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, बी द बादशाह. या ऑलराइट गाइस एंड गर्ल्स, तो ये थी आज की अमेजिंग टॉपिक. अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी, विच आई एम श्योर यू डिड, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. ऐसी कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं मैं बात करूं, तो प्लीज़ नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें टाइप करके मुझे ज़रूर बताइए. घंटी है, क्लिक इट, तो आपको अलर्ट्स मिले मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में. अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई लव यू.